ओ हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के काल लासवड़ में एक बारी फिर से। तो आज दोस्तों, आज हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं, आज मैं इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो कि वीडियो छोटा सा है लेकिन ये मान के चलिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदे की बात है। जो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो पूरा करना है। जैसे कि मान लीजिए अब गर्मी आ रही है, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपकी गाड़ियों में कूलेंट डलवाना है। तो जैसे आप कूलेंट चेंज करवाएंगे तो मैकेनिक क्या करते हैं, आपकी गाड़ी में से कूलेंट निकाल ले, पानी निकाल देते हैं और कूलेंट डाल देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है इसलिए। और जो एयर रहती है ना पानी की, वो मैकेनिक कई मरतबा, भाई जो मैकेनिक ये सोचता है भाई कस्टमर का हाँ भाई ठीक चलना चाहिए, तो वो तो निकालता है। और पानी की एयर ज़रूरी होती है काटना, अगर अपन एयर नहीं काटेंगे ना तो जो इसका वॉल होता है ना, वाल मैं बता देता हूँ, देखो एक सेकेंड। ये देखिए दोस्तों, जो ये इंजन का ऊपर का है ना, ये उस तरफ है, ये देखिए थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, ये आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये जो दिख रही है ना उस टम, वो एल्बो, वो सामने जो एल्बो है ये रही, ये हटाने से देखो सामने की एल्बो दिख रही है, देखिए ये इस पत्ती के पीछे वो एल्बो में आता है एक वाल। तो वो वाल क्या है, यानी कि वो खुल नहीं पाता है नहीं, हीट होने के बाद में वो वाल क्या ऑटोमेटिकली जैसे गाड़ी में प्रेशर आता है ना वो खुल जाता है, जिससे इंजन में चारों तरफ पानी घूमने लग जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है, आपको पहले ऐसे ढक्कन खोलना है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है, इन बातों का आपको ध्यान देना है, वरना गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। इंजन सीज होने से बचाने के लिए गाड़ी ये काम ज़रूर करना है। अब देखिए, जैसे कि मैं इसमें तो आपको सिर्फ बताने के लिए किया है मैंने ये सब कुछ कर रहा हूँ, बाकी इस गाड़ी का अभी तक देखो रेडर क्लीन होएगा क्योंकि गर्मी आ गई, इसमें काफ़ी जंग है। ये देखिए और ये देखिए बोतल में भी जंग भरा पड़ा है। तो मैं ये सारा प्रोसेस अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ये काम करवाएंगे ना उसके बाद में, ये देखिए मेरे पास काम बहुत सारा है। ये देखिए, ये रही गाड़ी, ये गियर खुला पड़ा है इसका, वो आगे खड़ी है। तो ये सब काम मेरे को अभी करना है, इसलिए मैं वीडियो में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि मैं वीडियो बना कर पब्लिक के लिए जो फ़ायदे की चीज़ें वो बना के शूट कर दूँ और अपलोड कर सकूँ, तो बाद में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा इसलिए। तो ये देखिए, अभी तो इसको क्लीन विलीन करवाएंगे, तो अभी तो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको क्या करना है। जैसे आप इसको क्लीन करवा लेते हैं, ये सब क्लीन करवा लिया आपने, ये खुलवा कर अपन इसमें से जंग वंग सफाई करवा लेते हैं, फिर जब पानी डालते हैं ना तो मैकेनिक क्या करते हैं, ढक्कन खोला और यूँ आपके पानी भर देते हैं, बस यूँ पानी भर दिया। और जैसे में पानी पूरा होगा, जैसे मैं बता देता हूँ, देखो एक सेकेंड, पहले इसको बंद कर देता हूँ एयर का ये नट है ना, क्या करते हैं ये पाइप को हटाते नहीं है और यूँ पानी भर देते हैं बस। इसमें जैसे कि मान लीजिए ये पानी हो गया पूरा है ना, जबकि ये पानी फुल हो जाएगा ना, उसके बाद में आपको करना क्या है, ये देखिए इसमें एक देखिए एयर की नलकी है, ये यहाँ पर जाके इसमें फिट हो रही है, कुछ में भी नहीं लग रही है, फ्री है, इसको आपको हटाना है, इसको हटा देना है, फिर इसमें से देखिए पानी निकलता रहेगा और आपको इसमें से डालते रहना है, यानी इसमें से धीरे धीरे पानी निकलता रहेगा, हल्की हल्की भी अगर एयर दिख रही है ना इसमें आती तो आपको इसमें पानी डालते रहना है। ये देखिए, ये छोटा सा पाइप है, इसको हटा देना है और इसमें से ऊपर से पानी डालते रहना है धीरे 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 धीरे। ये देखिए अब जैसे कि आप देखिए उसमें से एयर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, तो एक में इस पाइप को यूँ लगा देना है और सिंपल सा है, ये प्लास से क्लिप ली और ये क्लिप पिनाई और ये गाड़ी हो चुकी परफेक्ट। अब ये देखिए इसमें पानी भर दिया, कोई दिक्कत नहीं, और इसका ढक्कन लगाओ और इसको बंद करो, आराम से चलाओ, और जो बचा हुआ पानी है ना वो इसमें पूरा करना है आपको। इसमें पूरा करने से क्या होता है दोस्तों, जैसे कि इंजन के अंदर कोई एयर रह जाए, जब अपन ने पानी डाल दिया अपने पूरा काम कर दिया, अब अगर कोई एयर रह भी जाती है ना तो जैसे वाटर बॉडी पानी को घुमाएगी ना, तो वो एयर की जगह में यहाँ से है ना, यहाँ से इसमें से जैसे ये गाड़ी हीट होएगी ना, तो जो एयर रहेगी ना, जो थोड़ी बहुत एयर रहेगी उसमें से ये पानी वापस इसमें ले लेगी, इंजन यानी खुद ले लेगा इसमें से पानी, हीट होते ही इसका वाल उठते ही इसमें से पानी इंजन खुद ले लेगा, जो बाकी की एयर की जगह को ये कवर कर देगा। अगर अपन इसमें ज़्यादा एयर छोड़ देंगे ना तो फिर ये पानी जितना लेगा ना, यानी ज़्यादा एयर का मतलब है यानी काफ़ी इंजन में काफ़ी अंदर स्पेस रहेगा ना पानी के लिए, एयर के लिए, हवा,
तो ये पानी भी ले लेगा और वो हवा की जगह को पूरा भी नहीं कर पाएगा ना, तो फिर इंजन हीट होकर वो सीज होएगा। अगर अपन ये प्रोसेस नहीं करते हैं ना, तो उसमें फिर इंजन सीज होता है डायरेक्ट। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इसको भी भर देंगे और इसको भी भर देंगे ना, तो भी अगर इंजन में एयर रह गई ना, तो फिर ये चीज़ों से, जैसे इसके भी पानी फुल है, ये इसका पानी ले लेगा और फिर भी इंजन को और पानी की ज़रूरत पड़ गई ना, तो फिर इंजन सीधा सीज होएगा, जिसके मान के चलिए आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कम से कम 25 से 30 हज़ार का नुकसान हो सकता है। तो कभी भी अगर कूलेंट डलवाएं या पानी आप डालें, तो इसमें से एयर ज़रूर निकाल लें। ये सभी ये इस गाड़ी में यहाँ पर आता है और गाड़ियों में अलग अलग आता है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई मुझे, मेरे पास ये वाली गाड़ी है, इसकी एयर कहाँ से निकलती है, इसकी कैसे होता है, तो मैं उसका आपको बता दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करें अगर आपको एयर के बारे में पता लगाना, भाई आपकी गाड़ी की एयर कहाँ से करती है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। बाकी ये देखिए इक्को में, ये क्या थोड़ा इजी प्रोसेस है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बना के डाल दी। बाकी और गाड़ी में कोई में नीचे की तरफ आता है, कोई में एल्बो के पाइप में आता है, कोई में किस में आता है, तो अगर आपकी कोई सी भी गाड़ी, तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता दूँ, आप मुझे कमेंट कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही वीडियो जो मैं पब्लिक के प्रॉफिट की है, मैकेनिकल जो वीडियो होती है, जिसमें जैसे मान लीजिए कोई फ्रॉड मैकेनिक है जो यानी अटम सटम पैसे बता देते हैं और यानी गाड़ियों का चार्ज ज़्यादा कर देखा है, यानी किस काम की कितनी मजदूरी और कौन सा काम कितने में हो सकता है, मैं वीडियो इस पर अपलोड करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, जिससे पब्लिक को लॉस होने से बच जाता है, कोई भी गाड़ी ओनर को लॉस नहीं होता है, मैं ये वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं इसी जनरल नॉलेज हमेशा जो मैकेनिकल नॉलेज है वो मैं डालता रहता हूँ अपने चैनल पर टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि आगे भी आपके फायदे की वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके फायदे की होगी।